अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से वली मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज +9232424222044। सो व्यूअर्स, मैं आज DHFA8 IVY ग्रीन के हवाले से डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आपको कम से कम प्लॉट आपको कितने में मिल जाता है और महंगे से महंगा प्लॉट आपको कितनी रेंज में आपको मिल जाता है, और कहाँ पे यहाँ पे पोजेशन है और कहाँ पे यहाँ पे नॉन पोजेशन की रोड्स हैं, कहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है, ये आज की वीडियो में आपको डिटेल से मैं समझाऊँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ Z1 की। यार, मैं आपको 5 मंडे की डिटेल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। Z1 के अंदर 5 मंडला की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये मेन एंट्रेंस से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको मिल जाती है, एंटर होते साथ ही राइट हैंड साइड पे आपको ये मिल जाती है। और यहाँ पे ये कुछ नंबरिंग है 500 की नंबरिंग के अंदर, यहाँ पे आपको 5 मंडले की लोकेशन मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं करंट अभी लोकेशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कारपेटेड रोड्स वगैरह बन चुकी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई 5 मंडला में। लेकिन 10 मंडला की अगर ये वाली लाइन की मैं बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 मंडला के काफ़ी घर बन चुके हैं। 5 मंडला की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्राइस की, तो यहाँ पे आपको 74 लाख से लेकर 82 लाख रुपीज़ की रेंज में आपको यहाँ पे 5 मंडले का प्लॉट मिल जाता है 5 मंडला स्टैंडर्ड में। बहुत से यहाँ पे प्लॉट्स ऐसे भी हैं कि जो 5 मंडला से थोड़ा सा ज़्यादा एसएस एरिया है, वो एसएस एरिया के हिसाब से उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ Z2 की। Z2 में 5 मंडला अभी अवेलेबल नहीं है कोई भी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ Z3 की। Z3 के अंदर 5 मंडला कैटेगरी आपको इस तरफ मिल जाती है ग्रिड स्टेशन के नीचे की तरफ। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपको प्राइस रेंज की, तो आप ये अगर ये 500 वाली नंबरिंग देख रहे हैं तो इस 500 वाली नंबरिंग में आपको गालबन 60 लाख रुपीज़ मैक्सिमम और मिनिमम आपको यहाँ पे 50 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है ऑल ड्यूज क्लियर के साथ। लेकिन यहाँ पे अभी पोजेशन नहीं दिया गया। ये जो मेन रोड है, ये वाली मेन रोड बना दी गई है, लेकिन यहाँ पे अभी तक पोजेशन दिया गया DHA की जानिब से। और अगर मैं इसे आपको राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, राइट हैंड साइड पे ये ऑलमोस्ट तमाम तर स्ट्रीट जोन थी हैं वो बना दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पोजेशन नहीं है DHA की तरफ से। यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो मैक्सिमम यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ डिमांड होती है और मिनिमम आपको 50 लाख रुपीज़ डिमांड में ऑल ड्यूज क्लियर के साथ यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है। अगर मैं आपको Z4 की बात करता हूँ तो Z4 में बहुत ही खूबसूरत कैटेगरीज़ 5 मंडला के अंदर आपको, अगर मैं इनकी ये वाली छोटी नंबरिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको इन कैटेगरी के अंदर प्लॉट आपको गालबन 70 लाख रुपीज़ प्लस माइनस में आपको इस वाली नंबरिंग में मिल जाता है। असल में इसके हैं दो पोर्शन, एक अपर पोर्शन है और एक ये लोअर पोर्शन है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पार्क के नीचे वाला पोर्शन ये लोअर पोर्शन है और राइट हैंड साइड पे इसका ये अपर पोर्शन आ जाता है। अपर पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी 2 से 3 जो से हैं वो घर ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट है, और न्यूली कंस्ट्रक्टेड जिनकी अभी नींव खोद रहे हैं वो तकरीबन 2 से 3 घर हैं। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 मंडले के आपको 4 से 5 घर शुरू हो चुके हैं। लोग अपने लिए बना रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है, अपने लिए अपने लोग घर बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे कि पोजीशन आए और हम यहाँ पे घर बनाना शुरू कर दें, तो फाइनली उनको पोजीशन मिल गया और वो यहाँ पे अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और अगर मैं आपको ये निचले वाली नंबरिंग की बात करता हूँ, इस वाली नंबरिंग की, तो ये वाली नंबरिंग इनमें कुछ ऐसे भी हैं कि नॉन पोजीशन भी हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्राइस की, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 60 लाख रुपीज़ प्लस माइनस के अंदर आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। 60, 62, 63 इसके बिटवीन आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। लेकिन ऊपर वाली नंबरिंग जो ये वाली है, यहाँ से लेकर और तकरीबन ये वाली नंबरिंग के दरमियान में यहाँ पे आपको तकरीबन 70 के अराउंड आपको प्लॉट मिलता है। अगर मैं इस वाली नंबरिंग की बात करता हूँ, 400 वाली नंबरिंग की बात, तो 400 वाली नंबरिंग के अंदर तकरीबन आपको 68 to 70 लाख रुपीज़ यहाँ पर डिमांड होती है, और यहाँ पर पोजेशन भी है, और यहाँ पर आपको प्लॉट भी तकरीबन इसके अराउंड मिल जाता है। 68 से 70 के अराउंड यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है। अगर मैं लोअर की बात करता हूँ, लोअर पोर्शन की, तो लोअर पोर्शन के अंदर यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इसका कुछ एरिया जो सा है वो पोजेशन है और कुछ एरिया इसका नॉन पोजेशन है। पोजेशन वाला यहाँ पे आपको प्लॉट तकरीबन यहाँ पे आपको कम बजट में प्लॉट मिल जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे आपको 63-64 डिमांड होती है और उसकी डिमांड के साथ आपको प्लॉट मिल जाता है। और जो नॉन पोजेशन है, नॉन पोजेशन की ये कुछ नंबरिंग है, यहाँ पे आपको नॉन पोजेशन ये आपको प्लॉट दिखने को मिलते हैं
और कुछ आपको इन नंबरिंग के अंदर नॉन पोजीशन देखने को मिलते हैं। तो नॉन पोजीशन प्लॉट अगर आप बात करता हूँ तो नॉन पोजीशन आपको 60-60 माइनस में भी मिल जाते हैं कुछ प्लॉट्स, और बाकी जो कुछ पोजीशन प्लॉट हैं यहाँ पे आपको तकरीबन 65-64-63 इसकी रेंज में यहाँ पे आपको पोजीशन प्लॉट भी मिल जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ Z5 की। Z5 का एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड के सामने ये जो नंबरिंग है ये सारी Z5 की यहाँ से शुरू हो जाती है। ये कुछ नीचे नंबरिंग है, कुछ ये इधर आ जाती है नंबरिंग, और कुछ ये वाला पोर्शन है Z5 की 5 मंडले वाली कैटेगरी का। अच्छा, मैं आपको अगर इसकी नंबरिंग की बात बताता हूँ, ये 101 नंबर से लेकर और तकरीबन 151 की नंबरिंग में, इस नंबरिंग के अंदर आपको ऑलमोस्ट प्लॉट, अगर आप मेन रोड की बात करते हैं तो आपको 65 से 68 की ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लॉट की डिमांड होती है, क्योंकि ये पोजीशन है। और अगर आप इसकी इमीडिएट बैक साइड पे चले जाते हैं, फेसिंग आप कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 62 डिमांड के साथ आपको बेशतर यहाँ पे प्लॉट मिल जाते हैं। अगर आप इसके लोअर पोर्शन की बात करते हैं, ये वाला लोअर पोर्शन है इसका, ये ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे इस टाइम की मुताबिक कॉर्नर्स को छोड़कर जो ये स्टैंडर्ड प्लॉट है यहाँ पे आपको 52 की डिमांड के साथ यहाँ पे भी आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। पोजेशन प्लॉट है, आप पोजेशन प्लॉट के ऊपर घर बना सकते हैं यहाँ पर भी। और अब मैं चलता हूँ इस तरफ यहाँ पे अभी ये जो लाइन है ये नॉन पोजीशन है। नॉन पोजीशन के अंदर यहाँ पे अभी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर असेसमेंट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको तकरीबन 52-53-55 की डिमांड में आपको प्लॉट मिल जाता है। ये नॉन पोजीशन है। अभी अगर मैं आपको इस वाले पोर्शन की बात करता हूँ तो इस वाले पोर्शन में बहुत से एफिडेविट्स वगैरह मार्केट में बिकने के लिए आए हुए थे, कुछ सेल हो गए हैं, कुछ अभी अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए। इस वाले पोर्शन में आपको 52-53 लाख रुपीज़ डिमांड के साथ आपको एफिडेविट प्लॉट मिल जाते हैं, और स्टैंडर्ड प्लॉट भी तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी ही रेंज में मिल जाते हैं, और कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं यहाँ पर जो आपको 50 या 50 माइनस में भी मिल जाते हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये नॉन पोजीशन है, नॉन पोजीशन की वजह से ही आम पे आपको सस्ता प्लॉट मिलता है, लेकिन उसके ऑल ड्यूज क्लियर होते हैं, उसमें जितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो पेड होते हैं। सेम एज इट इज़ ये 200 वाली नंबरिंग की, इसकी भी ये सेम सिचुएशन है कि 50 प्लस माइनस में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। अगर मैं आपको Z5 के ये अपर पोर्शन की बात करता हूँ, पाँच मंडला के यहाँ पे अपर पोर्शन के अंदर इन नंबरिंग के अंदर आपको थ्रू आउट यहाँ तक, यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ इस वाले पोर्शन की बात करता हूँ 700 वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 64-65 लाख रुपीज़ डिमांड होती है इन प्लॉट्स की। और यहाँ पे पोजेशन है बिल्कुल, यहाँ पे रोड कारपेटेड हैं, बन चुकी हुई हैं रोड्स, और ये वाला पार्क है, पार्क फेसिंग के अंदर अभी हमने प्लॉट सेल किया है, वो भी मतलब कि अगर पार्क फेसिंग में आप जाते हैं तो आप समझ लें कि आपको 68-67 में आपको यहाँ पे भी प्लॉट मिल जाता है। और अगर ये वाले पोर्शन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे 64-65 लाख डिमांड होती है। और अगर मैं नीचे वाले पोर्शन की बात करता हूँ, ये तमाम तो सारे ही पोर्शन जोन सा है पोजेशन है, सवाए इसकी कुछ ये एक दो गलियाँ छोड़कर बाकी सारा ये पोजेशन है। पोजेशन में आपको 64-65 लाख रुपीज़ डिमांड करते हैं, ये रोड सारी बन चुकी हुई हैं यहाँ पर। और इसके मुतालिक आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो, आप घर बैठ के अपने प्लॉट को विज़िट करना चाहें, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ आपके प्लॉट की। आप एनी टाइम मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे Z6 की बात करता हूँ। Z6 की अगर मैं अपर पोर्शन की सबसे पहले बात करता हूँ, तो अपर पोर्शन में आपको ये वाली तमाम तर रोड जो थे कॉर्पोरेट रोड बन चुकी हुई हैं, इवन कि यहाँ पे 5 मंडला के काफ़ी ज़्यादा घर भी बन चुके हुए हैं। अगर मैं इन वाली नंबरिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 78 लाख रुपीज़ से लेकर और 80 लाख रुपीज़ के बिटवीन आपको यहाँ पर प्लॉट अवेलेबल हो जाता है, जिसके ऊपर आप फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घर बने भी हुए हैं। और अगर मैं इसकी लोअर पोर्शन की बात करता हूँ, तो लोअर पोर्शन के बहुत ज़्यादा 5 मंडले के प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बना चुके हैं लोग, और ज़्यादातर यहाँ पे एंड यूज़र है जिसने 85 लाख रुपीज़ के बजट के अंदर, मतलब कि ट्रांसफ़र एक्सपेंस डाल के 85 लाख रुपीज़ के बजट के अंदर DHA पूरे में कहीं पे भी पोजेशन प्लॉट नहीं मिलता और अच्छी लोकेशन पर नहीं मिलता, तो वो IVY ग्रीन को प्रेफर करता। IVY ग्रीन को प्रेफर करने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये गेटेड कम्यूनिटी है और यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी है, आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, आपको पार्क्स
आपको कमर्शियल, आपको मॉस्क, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, कॉलेजेस मिल जाते हैं, स्कूल्स मिल जाते हैं, आपको तमाम तरह इम्यूनिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप सेंट्रल लोकेशन में चाह रहे हैं, अच्छी लोकेशन में चाह रहे हैं, तो आप IVY ग्रीन के Z6 को भी आप मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर भी आप घर बना सकते हैं, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हाल ही में अगर मैं बात करता हूँ तमाम तर IVY ग्रीन की, तो यहाँ पे आपको ये Z6 का जिस पोर्शन के ऊपर मैं ये ड्रैग आउट कर रहा हूँ, ये इधर इस पोर्शन के अंदर आपको तकरीबन 95 और 1 करोड़ पे तक के बजट में भी प्लॉट गए थे, लेकिन अभी मार्केट की सिचुएशन देखते हुए इस पोर्शन में आपको 78 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन 76 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन 80 लाख रुपए तक के बजट में आपको बहुत अच्छी कैटेगरी का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तभी आप ले सकते हैं, और अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अब लास्ट में अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन लेते हैं कि अगर आपका बजट 50 लाख रुपया है और आप 50 लाख रुपए में पोजेशन प्लॉट लेना चाह रहे हैं और उसके ऊपर आप फ़ौरन घर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो जो कि ये आपको ये मैं एरिया दिखाता हूँ Z5 का। इस वाले एरिया के अंदर नॉन कॉर्नर जोन सा है, मेरे पास कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि आपको 50 लाख रुपीज़ के बजट में आपको मिल जाएंगे, और जो पोजेशन है जिसके ऊपर आप साइट प्लान अप्लाई करते साथ ही वहाँ पे घर अपना शुरू कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से सोच रहे हैं और 50 लाख रुपीज़ से कम बजट रखते हैं, तब भी आप बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं IVY ग्रीन में। मैं आपको ऐसे प्लॉट दे सकता हूँ जिनका प्लॉट नंबर लगे हुए हैं और ऑल ड्यूज क्लियर हैं, और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेरा नंबर सेव कर लें, मैं अपना नंबर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज +9232422044। वली मोहम्मद लाहौरी स्टेट से मुखातिब कर रहा हूँ। एनी टाइम अपने किसी भी प्लॉट की आप असेसमेंट लेने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, किसी भी प्लॉट की आप मुझसे असेसमेंट ले सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।